हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि डेढ़ अंक ब्लॉग। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है कि सब कुछ खा के वजन कैसे कम किया जा सकता है, या बिना डाइटिंग के या बिना स्पेशल अपने लिए मील प्लान किए हुए डाइटिंग करे हुए कैसे आपको वेट कम करना है। मैंने अपनी वीडियो डाली थी तो उसके लिए बहुत कमेंट्स आए थे, बहुतों को अच्छी लगी, मील्स कर उन्हें पसंद आई, वो सब डिशेज़ वगैरह जो मैंने उसमें पूरे डाइट प्लान बनाया था, अपना डाइट चार्ट शेयर किया था आपके साथ। पर बहुत लोगों ने कहा था कि हम इतना बड़ा डाइट फॉलो नहीं कर सकते, या फिर मतलब कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं करना है, तो उन्हें भी अपना वेट लॉस करना है, तो वो सब कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं आपको एक एक बात बताऊँगी, एक एक टिप दूँगी, तो जिससे आप वेट आसानी से कर सकते हैं बिना कुछ ऐसा खाना छोड़े। आप चाहे तो जो मन मर्जी आप खा सकते हैं, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो भाई होता क्या है, हम कुछ भी खा रहे हैं, हमारा मेन वेट किससे बढ़ता है, कैलोरीज से। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं चीनी में, मीठे में, कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का मीठा है, शुगर का खाना है, स्वीट्स है, कुछ भी हम खा रहे हैं तो उसमें बहुत कैलोरीज हैं जो हमारी बॉडी इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वो फैट की तरह बॉडी में स्टोर होने लगता है और हमारी बॉडी फैटी हो जाती है, हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा लॉजिक है मोटे होने का, ज़्यादातर मीठे से या ऑयली से या कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं जिनमें कैलोरीज मिलती हैं। कम कैलोरीज किन में मिलती हैं, सब्जियों में, फलों में, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्दी, जिनको बोलते हैं कि ये खाइए वो खाइए, उनमें कैलोरीज कम होती हैं, उनको बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है, तो उससे हमारा वेट नहीं बढ़ता और बॉडी में अच्छी चीज़ रहती हैं, टॉक्सिन्स वगैरह इकट्ठे नहीं होते। तो इस टाइप से होता है, आप कहोगे कि इसने तो कहा कुछ भी खा सकते हैं, अब क्या लेक्चर दे रही है, तो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ खाए जा रहे हैं और हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, ये तो चमत्कार होगा, अगर ऐसे होने लगता तो दुनिया के सभी लोग पतले होते। ठीक है, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, आगे आपको इसके बारे में पूरी टिप्स मिलेंगी। और ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मोटिवेट कर दें और आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सब कुछ खा के कैसे वेट कम करना है, हमें खाना है वो एज ए टेस्ट, मतलब आपको कोई भी चीज़ खानी है वो बिल्कुल टेस्ट की तरह खानी है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेस्ट्री पसंद है, केक पसंद है, टॉफ़ी पसंद है, चॉकलेट पसंद है, मतलब कुछ भी हो सकता है मीठे में, आपको कई चीज़ें होती हैं, कई लोग होते हैं बिल्कुल स्वीट टूथ होते हैं, हर टाइम मीठा चाहिए, खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती होती है, खा लेते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो बहुत लोगों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो वो मीठी चीज़ें खा लेते हैं, फिर वो कैलोरीज आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाती हैं, तो अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, स्टोर होने लगती हैं। तो क्या करना है, आपको मीठा खाना है, अगर आपका मन है पिज़्ज़ा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाने का मन है, कुछ भी खा लेते हैं, जैसे बाहर का अनहेल्दी खाना वो भी खा सकते हैं, वेट कैसे कम होगा मैं बताती हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको एज ए टेस्ट खानी है, बिल्कुल थोड़ा पोर्शन खाना है और उतनी देर तक चबा चबा के खाना है, उनको अच्छे से चबा के पूरा, कि आपकी माइंड को ये सिग्नल पहुंच जाए कि आपने वो काफ़ी क्वांटिटी में खाया है। पेट भरने के लिए नहीं खाना कि आपने कुछ रसमलाई खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, कोई लड्डू खा रहे हैं तो टेस्ट आ गया, आपने चार पाँच खा लिए, पेट भरने तक खा लिए, उतना नहीं खाना, आधा लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, पर लेकिन उसको इतने अच्छे से चबाइए कि आपके मतलब एक तो टेस्ट आए काफ़ी और बहुत देर तक रहे, ताकि माइंड आपका आपके स्टमक तक ये सिग्नल पहुंचा दे आपके कि हाँ आपने वो चीज़ खाई है। तो उससे क्या होगा, आप वो चीज़ टेस्ट भी कर पाएंगे, ठीक है, और आप उससे मोटे भी नहीं होंगे, उतनी कैलोरीज आपकी बॉडी में नहीं जाएंगी, और जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उसको चबाने से तो वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं ऐसी आपको टिप्स बताती हूँ जिससे आपका वेट रिड्यूस होगा, आप डेली रूटीन में उनको इंक्लूड करना है, बस बहुत छोटी मोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत काम की हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे। तो टिप नंबर वन, आपको खाना खाना है जब भी, अगर आपसे डाइटिंग नहीं होती, आप कुछ ऐसे स्पेशल नहीं बना रहे, नॉर्मल अपना डेली रूटीन का खाना खा रहे हैं, जो भी सब्जी घर में बन रही है, मतलब जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, खाना जो भी लेना है एक छोटी प्लेट में डालना है, कभी भी बड़े प्लेट में खाना ना लीजिए। उससे क्या होगा, आप अब जो आप चीज़ देखते हैं वो आपकी देखी हुई चीज़ आपके माइंड तक जाती है और वो माइंड आपका पेट को आपको सिग्नल पहुंचाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक हैं, जो हम देख रहे हैं वो हमें सिग्नल हमारे माइंड में जा रहा है कि हाँ, तो उससे क्या होगा, आप छोटी प्लेट में खाना देखेंगे वही क्वान्टिटी में ज़्यादा दिखेगा,
आपने जैसे लेना है तो एक बार में ज़्यादा नहीं लेना, लगेगा खाना ज़्यादा है, आपकी आंखों को ये दिख जाएगा कि ज़्यादा खाना है, तो पहले ही आपका माइंड ये सेट कर लेगा कि काफ़ी खाना है और आपके लिए इतना इनफ। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा छोटी प्लेट में खाना खाने से। आपने कभी भी देखा होगा रेस्टोरेंट में काफ़ी बड़ी प्लेट्स नहीं देते हैं, छोटी प्लेट्स देते हैं या फिर बड़ी प्लेट्स होती हैं, तो उसमें छोटी 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 चीज़ों में ऐसे दिखा देते हैं कि वो भरी हुई हैं। उसका रीज़न क्या है, वो खाना थोड़ा सर्व करते हैं और लगता है कि हमें ज़्यादा मिल रहा है खाने को, तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आप छोटी प्लेट में खाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नंबर टू, आप तो दूसरा आपने क्या करना है, अगर आप डाइटिंग नहीं भी कर रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं, आप मील प्लान ले रहे हैं, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने अपना वेट डेली करना है, एक मशीन लेनी है और आपको अपना डेली वेट करना है। जो लोग करते हैं तो उन्हें क्या करना है, अब एक चार्ट लगा लीजिए, सॉरी, तो उस चार्ट पे आपको क्या लिखना है, अपना डेली का वेट, जो आपने वेट हुआ है, ठीक है, और जो उस दिन पहले आपने पूरे दिन खाया था, वो सब आप उसमें एक साथ साथ लिखते रहेंगे। तो उससे क्या है, आपका वेट और आपकी डाइट आपको पता चलती रहेगी कि आपने क्या खाया था और किससे आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, किससे आपका वेट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने खाई हैं। सिमिलर कई बार खाना बनता रहता है, जैसे बहुत लोगों को कढ़ी खाने से वेट बढ़ता है, तो क्या आप देखेंगे और कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी उसको कम, मतलब ज़्यादा टाइम में डाइजेस्ट करती है, आपका वेट उससे ज़्यादा बढ़ाता है, तो आप एक दो महीने तक ये सब देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो उस चीज़ को आप थोड़ा कम क्वांटिटी में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे दूर रहेंगे, तो वो आपको एक बेनिफिट देगी। आपने कम कुछ नहीं करना है, घटाना नहीं है, बस आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको खाने से आपका वेट हमेशा बढ़ा हुआ आया है, समझ रहे हैं। तो मतलब उस तरीके से आप मतलब अपना वेट मेजर कर सकते हैं कि ये मेरा वेट है, इस तारीख को इतना था और ये मैंने खाया था, सेम चीज़ जो आपको मिलेगी तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर थर्ड, आपको जब भी खाना खाना है सिर्फ उससे आधे घंटे पहले दो ग्लास पानी पी लीजिए और कुछ नहीं करना है। खाना खाने से आप दो घंटे पहले पानी पियेंगे तो आप देखेंगे चार छः महीने में, मतलब ये अगर आप एक हैबिट बना लेते हैं तो चार छः महीने बाद आप ये देखेंगे कि आपका वेट काफ़ी कम हो गया है सिर्फ एक एक छोटी छोटी टिप्स अपनाने से। क्यों? क्योंकि आपका पहले ही पानी से काफ़ी भूख ख़त्म हो जाएगी, जो आपको ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उतनी भूख रहेगी जितनी आपको ज़रूरत है खाने की, और जो लग रहा है कि भाई मैं चार रोटी खा सकता हूँ, तीन रोटी खा सकता हूँ, अगर आपकी बॉडी को दो रोटी की ज़रूरत है तो आप वो दो ग्लास पानी पीने के बाद दो ही खाएंगे और उसके बाद आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो खाना खाने से आधे घंटे पहले, क्या ये सब चीज़ हम पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, स्कूल वगैरह में पढ़ चुके हैं, बहुत लोगों से सुनते भी हैं, पर उसको हम उस तरह से नहीं करते कि ये हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए या हमें अपने ऊपर इन चीज़ों को लागू करना चाहिए। पर इन चीज़ों को सच में ये कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को कर चुके होते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट्स हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपकी ज़रूर वेट लॉस होगा। अब नंबर फोर, जो कि सच में हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा था और अब हम उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, मैं बहुत धीरे खाती हूँ खाना, हमेशा से मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, ये एक अच्छी हैबिट है मेरी। तो उससे क्या है, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी में फैट नहीं स्टोर होता, टॉक्सिन्स नहीं बनते। आपको पता होगा कि जो खाना हम खाते हैं अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट ना हो तो क्या होता है, वो बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, वो सड़ने लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको जाने की जरूरत है, खाने की ज़रूरत है, और हमने उससे फालतू खा लिया, तो पहला खाना तो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, दूसरा वो पचाने में लग जाती है, तो जो पहला खाना पड़ा हुआ है बॉडी में वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं सड़ के स्टोर होगा, तो वो फैट बन जाता है, अनहेल्दी, मतलब समझ लो फैट बनेगा। अब उसको घटाने के लिए जो हम ये सब करते हैं, तो वो हमारा वो जो स्टोर हुआ कैलोरीज है वो सब निकलती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से, तो हमारी वापस से बॉडी एक रिफ्रेश हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, खाने को आपने अगर एक टुकड़ा लेना है तो कोशिश करिए उसको 30 से 32 बार चबाने की, इतना चबा लीजिए, ऑलमोस्ट सब लोग 20-22 बार तक ही चबा पाते हैं, उससे पहले निकल लेते कि आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट में लाएंगे तो हम कोशिश करके वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना उसको चबाइए। अगर आपने एक टुकड़ा रोटी खाया है तो उसको बहुत ज़्यादा चबाइए, आपने पिज़्ज़ा खाया है, चावल खाए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खाइए, खाइए थोड़ा और उसको चबाएंगे बहुत देर तक, एक तो वो माइंड आ जाएगा कि वो भर गया है, ठीक है, उतनी देर चबाने से उसको मुँह चलेगा आपका, चबाने चबाने से वो खाना बहुत अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा, उसका जूस निकलेगा, तो बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पचाने की। ठीक है, आप अपने किचन में काम करते हैं, आप वर्किंग लेडी हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर आप गर्ल हैं, मतलब जो भी अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं, ऑलमोस्ट सभी किचन में जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो फटाफट मैगी बना लिया या कोई ऐसा स्नैक्स उठा के हमने खा लेते हैं। कोशिश करिए इन सबको
थोड़ा सा अपनी पहुंच से थोड़ा दूर रखिए, मतलब थोड़ा सा ऐसे कि आपको लेने में उसको कहीं ऊंचे पे रख दीजिए या अपने से थोड़े से दूर रख दीजिए, उससे क्या होगा, कोशिश करेंगे तो थोड़ा आलकस भी आएगा, जितना अवॉइड करेंगे वो बेस्ट है कि अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, नहीं खा रहे, खाना है तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना है, तो कोशिश करिए उसको अपने से थोड़ा अलग रखिए, एक अलग सेक्शन बना लीजिए जहाँ वो अलग रखा हुआ है, आप नहीं ले पा रहे, इजीली नहीं देख पा रहे और इजीली उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो एक ये टिप है। तो इन चीज़ों को हम रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे या टिप्स को अपनाएंगे तो हमें ज़रूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो होता क्या भाई, देखिए सब मेरे से पूछते हैं कि आपने कैसे किया और आप अब तक हमेशा डाइट पे रहते हो या कैसे मेंटेन करते हो। मैं हमेशा डाइट पे नहीं रहती, मैं बहुत सारी चीज़ें खाती भी हूँ। देखिए जब ओवरवेट हो गए हैं, कुछ आपने सब कुछ छोड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और आपके बैठे बैठे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब तो मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन नॉर्मल है, अगर आपको इतना ज़्यादा वेट रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि आप हमेशा फिट रहें या वेट मेंटेन रहे, तो उसके लिए छोटी मोटी टिप्स हैं। अगर आपने एक बार वेट कम कर लिया है तो आपको इन टेक्निक से उनको वेट को कम करना है, खाना ज़्यादा देर तक चबाना है, खाना टाइम से पहले खाना है, मतलब 7-8 बजे के बीच में खा लेना है, ठीक है। कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वो क्वांटिटी कम लीजिए उसकी, और कोशिश करिए ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, मीठा खाना है कुछ खाना है तो उसको भी लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा ही लेना है और उसको थोड़ा ही खाना है और ज़्यादा देर तक चबाना है, तो मेन है हमारे खाने के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने डाइट को और अच्छा कर सकते हैं। अब सी लेडीज़ के लिए एक टिप है, वो कहती हैं कि भाई हम घर में बहुत काम कर लेते हैं, हमें एक्सरसाइज हमारी वैसे ही इतनी हो जाती है, हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है या हमसे नहीं टाइम मिल पाता। तो मैं उन्हें एक बात बता दूं कि एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी बॉडी चल रही है, ठीक है। बॉडी भी एक मशीन की तरह है जो काम कर रही है, उसके सारे आपके पार्ट्स काम कर रहे हैं वर्क प्रॉपरली, लेकिन आपका उस काम से आपको वो थकावट या बोलते हैं कि वो फ्लो नहीं बन पाता कि जिससे हमारा हार्ट पंप कर सके, एक रिदम में काम कर सके। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं, आपने 30 मिनट्स की वॉक करी है तो उसमें एक रिदम में आप वॉक करेंगे तो आपका हार्ट अच्छे से पंप होगा, आपके सारे फंक्शंस काम करेंगे। कितना भी काम कर लो वो उस तरीके से नहीं हो सकता, थकावट हो सकती है लेकिन बॉडी के अंदर से वो सब चीज़ नहीं हो सकती। तो जो लेडीज़ हैं या फिर जो मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं या नहीं करती हैं, आलकस करती हैं कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उनके लिए एक टिप कहूँगी, ये वेट लॉस के लिए नहीं है। अगर आप फिट भी हैं या पतले हैं तब भी, अगर आप मोटे हैं तब भी, आपको ज़रूर अपने हैबिट में लाना है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी तरह हमें एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको भी हमें कुछ देना है, सिर्फ नहाने से या फिर ब्रश करने से या सिर धोने से उसको, वो क्लीनिंग नहीं हो रही है जब हमारी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं हो रही है, और वो अंदर से क्लीन तब होगी तब हम उसके लिए कुछ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत काम कर रखा है, मैं थकी हुई हूँ, नहीं, आपको आधा घंटा अपने लिए निकालना ही पड़ेगा, तो अपने लिए निकालिए, पहले योगा करिए, एक्सरसाइज करिए या सिंपल वॉक करिए, कुछ भी करिए, पर आधे घंटे दिन में 24 घंटे में से सिर्फ आधे घंटे का टाइम आपको अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। ये आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। और जिन्होंने मेरी वेट लॉस डाइट चार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी डाइट चार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। मेरे व्लॉग्स हैं जिनमें ग्रीन टी कैसे बनानी है उसकी एक नई टेक्निक है, उसमें जीरा वाटर कैसे बनाना है, ये सब मैंने बताया हुआ है, उनको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वेट रिड्यूस करने में। तो थैंक यू गाइज़।